अब इसके बाद मैंने इसी धागे से पहले एक बार आके सिंगल क्रोशिया बनाया। ये सिंगल क्रोशिया बन गया मेरा। अब मैंने यहां पे आके अपना धागा चेंज करना है। अब ये हमने लाल पत्ती बनानी है तो हम रेड कलर से, इसी कलर से हम उसकी चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 चेन डाली थी मैंने शुरू में, फिर 4 डाली, फिर 5, फिर 6 चेन डाली। अब मैंने 7 चेन लेनी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और 7। 7 चेन लेके मैंने धागा लेके यहां से डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7। 7 चेन लेके फिर डबल क्रोशिया बनाया मैंने। फिर आप चेन को ऐसे रख के देखिए, आपकी पत्ती से बाहर तो नहीं आ रही है। अगर बाहर आ रही है तो फिर ये जो आपका डबल क्रोशिया है इसको थोड़ा छोटा करके बनाइए। मेरी वैसे ये देखिए ठीक आ रही है पहले ही। आप इतना ध्यान रखिए हर राउंड के बाद उसको ऐसे अपनी ड्रेस को रख के देखिए कि मेरी ड्रेस सही आ रही है, पत्तियां सही आ रही हैं। नहीं तो अगर आपकी एक राउंड भी खराब आ रहा है तो उसे सारे खराब हो जाएंगे। तो आपने अगर एक राउंड आपका सही नहीं बना तो उस राउंड को उधेड़ दीजिए और फिर दोबारा से बनाइए, नहीं तो सारी ड्रेस खराब हो जाएगी, आपकी सेट नहीं आएगी। स्लिप स्टिच से इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। एक बार बनाया मैंने सिंगल क्रोशिया, फिर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब मैंने डबल क्रोशिया बनाना है। व्हाइट पत्ती में मैंने 8 बार बनाया था डबल क्रोशिया, यहां पे मैंने 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, 7, 8 और 9। 9 बार मेरा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इसके बाद मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। इस पत्ती को ऐसे करके आप फैला दीजिए थोड़ा, ये देखिए। ये एक राउंड, दो, तीन, चार, हमारा 5th राउंड है ये पत्तियों का। तो दोनों तरफ मेरा सिंगल क्रोशिया आया और फिर उसके साथ मेरा हाफ डबल क्रोशिया आया दोनों तरफ, और बीच में 9 बार डबल क्रोशिया आया। इसी तरह आप अपना राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आके मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब हमने यहां से लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने इसी धागे से सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम अपना यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3, 4, 5, 6, 7, इसमें मैंने 7 चेन डाली थी। अब मैंने 8 8 चेन लेनी है। तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8। 8 चेन लेके मैंने इसे, ये देखिए, यहां से ऐसे क्रोशिया हुक डाल के यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8। 8 लेके मैंने यहां से ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है।
अब हमने व्हाइट पत्ती बनानी है, तो व्हाइट पत्ती हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहां पे मैंने 9 बार लिया था डबल क्रोशिया रेड पत्ती में, तो अब मैंने डबल क्रोशिया 10 बार लेना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, और ये मेरा आ गया हाफ डबल क्रोशिया और ये आ गया सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये व्हाइट पत्ती मेरी ऐसे आ गई। दोनों तरफ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके साथ हाफ डबल क्रोशिया बनाया और बीच में मैंने 10 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह आप अपना राउंड कंप्लीट कर ले। यहां पे आके मैंने स्लिप स्टिच बना दिया। अब हमने इसी धागे से पहले यहां पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हर राउंड के बाद आप ड्रेस को ऐसे रख के देखिए जरूर कि आपके सारे राउंड सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब मैंने रेड कलर से चेन बनानी है। ये देखिए, ये शुरू से देखिए, इसमें मैंने 3 चेन बनाई थी, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैंने 9 चेन बन लेनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 चेन लेने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अब हमारी चेन बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। ये देखिए, ये पत्ती से काफी नीचे है, तो जो पहला है आपका, जो इसमें आप 9 की जगह 10 चेन ले लीजिए, बाकी की में बाकी सारे में पत्तियों में 9 ही आएगी। इसमें कई बार हो जाता है, 9 लेने के बाद आप इसे डबल क्रोशिया बना दीजिए, फिर ये सही आएगी। अब ये सही हो गई, तो बाकी में आपने 9 चेन ही लेनी है। अगर ये भी अगर आपकी पत्ती चेन छोटी आपको लग रही तब आपने 10 लेनी है, नहीं तो आपने 9 ही लेनी है। इस राउंड में हमने 9 लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चेन लेने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये उल्टी साइड से ये ऐसे आ रहा है। तो अब आप 9 चेन लेते जाइए और डबल क्रोशिया बनाई जाइए, बनाते जाइए। पहले मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमारी व्हाइट पत्ती है इसमें मैंने 10 बार बनाया था डबल क्रोशिया, इसमें मैंने 11 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, 11 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया इसमें। और उसके बाद मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, और उसके बाद आप इसे ऐसे करके खोल दीजिए थोड़ा पत्ती को। ये देखिए, दोनों तरफ सिंगल क्रोशिया आया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया आया दोनों तरफ, और बीच में 11 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो अब ये देखिए, ये पत्ती आपकी ऐसे आ गई। इसी तरह आप अपनी सारी पत्तियां बना लें। यहाँ पे आके मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आके मैंने इसे इसी कलर के
स्लिप स्टिच बनाया पहले, फिर इसी कलर के धागे से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम धागा अपना कलर बदलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ, दस। यहाँ पे हमने 10 चेन लेनी है। 10 चेन लेके यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। 10 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये चेन दोनों पत्तियों में सही आई है। जो हमारी पत्ती है उससे थोड़ी सी नीचे रहनी चाहिए। पिछले राउंड में हमने 9 चेन ली थी, जो हमने ये रेड बनाया था, तो यहाँ पे हमने 10 चेन ली है। लेकिन जो हमने पहली रेड पत्ती बनाई थी उसमें हमने 10 चेन ली थी। उसका कारण ये है कि ये देखिए, जब हम चेन बनाते हैं तो दोनों तरफ डबल क्रोशिया होता है, तो डबल क्रोशिया की हाइट काफी होती है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ देखिए, इधर हमने डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ इसकी हाइट कम है, इसलिए जब राउंड हमारा बढ़ जाता है, बड़ा होता जाता है, तब ये प्रॉब्लम कभी आ जाती है। तो बाकी में आपने 9 ली थी और यहाँ पे हमने 10 ली थी, यहाँ पे आप फिर 1 चेन ज्यादा ले सकते हैं। और अब हमने 10 चेन ली है सब में, तो 10 चेन से ही मेरा ये देखिए ठीक आ गया इस बार चेन कि ऐसे कोई, क्योंकि चेन का भी हाथ होता है। अगर आप ज्यादा टाइट चेन बनाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सही हाथ, खुले हाथ से बनाइए, ज्यादा खुला भी ना हो और ज्यादा टाइट भी ना हो, ऐसे पत्ती के नीचे रख के जरूर देखिए। तो अब हमने 10 चेन ली है सारे राउंड में, ऐसे ही अपना राउंड आप कंप्लीट कर लें। ये स्लिप स्टिच बना दिया। अब हमने जो हमारी रेड पत्ती है इसमें हमने 11 बार डबल क्रोशिया बनाया था, तो अब इसमें हम 12 बार बनाएंगे। तो 12 बार हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, पहले हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 12 बार है, तो हमने 6 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है 12 में से, तो 6 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो जो 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है, जो शुरू में 3 बार हम शुरू में ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया, ये दो और ये तीन, 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। और ये देखिए, इसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 6 बार। ये एक बार धागा लिया, ये दूसरी बार घुमाया, दूसरी बार घुमा के फिर से देखिए, एक बार, ये दो बार धागा लिया मैंने, एक दो तीन, तो ये एक दो तीन चार हो गए। 4 का हमने ये 3 कर दिया, 3 से हमने ये 2 कर दिए, 2 से हमने 1 कर दिया। इसकी वीडियो मैंने, स्टिचेस की वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले बना के डाली है, आप वहां से देख सकते हैं सारे स्टिचेस। ये 3 बार हो गया, ये 4, 5 और ये 6। ये देखिए, यहां से फिर स्टिच लंबे हो गए हैं। 6 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इस अगली बार हमने 3 बार हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 3 बार, एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। और अब हमने 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ये पत्ती ऐसे बन गए। तो दोनों तरफ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया पत्ती के, फिर दोनों तरफ उसके साथ हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे हमने 3 बार दोनों तरफ डबल क्रोशिया बनाया, और बीच में हमने 6 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इसी तरह आप सारी पत्तियां बना लें। ये देखिए, मेरी सारी व्हाइट पत्तियां बन गई है। यहाँ पे आके मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, और इसी कलर के धागे से हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया हमने इससे।
अब हमने अपना दूसरा कलर चेंज करना है। तो यहां पे मैंने 10 चेन बनाई थी, अब हम 11 चेन बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10 और 11। 11 चेन बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10 11। 11 चेन लेने के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और जो हमारी व्हाइट पट्टी है इसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार, और हमने 6 बार बनाया था इसमें ट्रिपल क्रोशिया, तो 6 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 6 बार हो गया ट्रिपल क्रोशिया। अब हमने डबल क्रोशिया 4 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। चार, और फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए ये हमारी पत्ती ऐसे आ गई। तो पत्ती के दोनों तरफ हमारे सिंगल क्रोशिया आया, और फिर हमारे दोनों तरफ हाफ डबल क्रोशिया आया। उसके बाद हमने 4 बार दोनों तरफ हमने 4 बार डबल क्रोशिया लिया, और बीच में हमने 6 बार ट्रिपल क्रोशिया लिया। इसी तरह आप अपनी सारी रेड पत्तियां बना लें। ये देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आके मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हमने यहाँ से ऐसे लेके इसी धागे से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये सिंगल क्रोशिया मेरा बन गया। तो ये देखिए ये हमारी सारी रेड पत्तियां बन गई हैं। तो रेड पत्ती में देखिए दोनों तरफ हमारे सिंगल क्रोशिया आया एक एक बार, फिर हमारा हाफ डबल क्रोशिया आया दोनों तरफ एक एक बार। उसके बाद हमने 4 4 बार दोनों तरफ हमने डबल क्रोशिया बनाया, और बीच में 6 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हमने यहाँ पे अपना कलर चेंज करना है। हमने व्हाइट कलर की पत्ती नहीं, अब हम कलर नहीं चेंज करेंगे, ये हमारा लास्ट राउंड है। तो इसमें हमने इसी कलर से, ये देखिए इसमें मैंने 2 राउंड, ये देखिए इसमें मैंने आखिर में जाके 2 राउंड ब्लू के डालने हैं। तो अब आपने 2 कलर ब्लू के ही डालने हैं, तो व्हाइट कलर नहीं। इसी कलर से हमने यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ मैंने 3 चेन डाली थी, 3 व्हाइट में 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मैंने 11 चेन डाली। तो अब मैं 12 चेन लूंगी। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10 11 और 12। 12 चेन लेके मैंने यहाँ पे आके डबल क्रोशिया। बना दिया। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10 11 और 12। 12 बार चेन लेके मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये देखिए ये दोनों तरफ मेरी चेन सही आई है। आप इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट कर ले। ये देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम पत्ती बनाएंगे। पहले हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया,
फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद जैसे हमने लाल पट्टी बनाई थी अपनी, ये वाली रेड वाली, इसमें हमने दोनों तरफ चार चार बार हमने वो बनाया था, डबल क्रोशिया बनाया था, और बीच में हमने 6 बार बनाया था ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह हमने ये पट्टी सेम बनानी है। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार बार मेरा डबल क्रोशिया हो गया। मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, 6 बार मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 4 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, और ये 4। फिर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने पहले लाल पत्ती अपनी बनाई है, बिल्कुल सेम लास्ट वाली भी हमने, इसमें हमने कोई भी बढ़ाया नहीं है। ये देखिए, ये एंड में हमारी जाके राउंड में 2 आ जाएंगी रेड पत्तियां हमारी। इसी तरह आप अपना राउंड कंप्लीट कर ले। ये देखिए, यहां पे आके मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार है। इसमें मैंने ये देखिए डोरी भी डाल दी है। डोरी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राउंड मैंने बनाए हैं। अगर आपको 8 राउंड से भी आपकी ड्रेस पूरी हो जाती है, तो छोटी ड्रेस आपको चाहिए, तो फिर आप 8 राउंड बना लीजिए। तो आपने 8वां राउंड है जो, वो फिर आपने रेड बनाना है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 के बाद फिर 8वां राउंड आपने रेड बनाना है, तो आपकी ड्रेस ऐसे आएगी। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।